नमस्कार दोस्तों, अभी अभी महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए शिवसेना को समर्थन देने को लेकर सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच बातचीत शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस की बैठक शुरू होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर एनसीपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद और अयोध्या फैसले को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को बहुमत साबित कर सरकार बनाने का न्योता दिया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या यदि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देती है तो क्या शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। शिवसेना अपने लिए मुख्यमंत्री पद का लगातार मांग कर रही है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इसी के बीच ही बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रजनी पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार पत्रकारों से बातचीत करते के दौरान रजनी पाटिल का कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। साथ ही रजनी पाटिल का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता के अनुसार ही इन पार्टियों के बीच में बातचीत जारी है। उनका कहना है कि क्योंकि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि राज्य में गैर भाजपा वाली सरकार बने। आपको बता दें कि रजनी पाटिल ने यह बात मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही है। आपको बता दें कि रजनी पाटिल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी हैं, लेकिन कल यानी शनिवार को रजनी पाटिल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मंडी आई हुई थी। मंडी में धरना प्रदर्शन के दौरान ही रजनी पाटिल ने ऐसा बयान दिया है। रजनी पाटिल ने आगे पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा ने पहले से ही जोर तोड़ शुरू करके घोड़ा बाजार चला रखा है। अभी भी वहाँ पर घोड़ा बाजार ही चल रहा है। आज भी वहाँ सरकार बनाने के लिए भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि विधायकों को 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। रजनी पाटिल का कहना है कि भाजपा जनता के सामने बेनकाब हो जाए, इस बात का कांग्रेस और अन्य दल इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। रजनी पाटिल का कहना है कि अब बातचीत जनता की इच्छा के अनुसार ही चल रही है। हालांकि रजनी पाटिल ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने को लेकर बातचीत करने का दावा किया है, लेकिन उनके दावे में किसकी सच्चाई है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता दिया है। साथ ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भारतीय जनता पार्टी को 11 नवंबर तक बहुमत साबित करने का भी समय दिया है। इसको लेकर एनसीपी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि एनसीपी का दिग्गज नेता नवाब मलिक ने बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भाजपा को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाजपा के पास बहुमत है या नहीं, अन्यथा विधायकों की खरीद फरोख्त होगी। एनसीपी के नेता नवाब मलिक का कहना है कि इसके बावजूद अगर भाजपा राज्य में सरकार बनाती है तो हम सदन के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरती है तो राज्य के हित में हम वैकल्पिक सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। नवाब मलिक का कहना है कि हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को नीचे लाने के लिए शिवसेना सदन में भाजपा के खिलाफ वोट करती है या नहीं। नवाब मलिक का कहना है कि हम एक वैकल्पिक सरकार का समर्थन करने पर विचार करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि कल यानी 12 नवंबर को एनसीपी ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। उनका कहना है कि इस बैठक में पार्टी के मुखिया शरद पवार भी उपस्थित रहेंगे। हालांकि देखा जाए तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस सहित एनसीपी भी चाहती है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार ना बन पाए। कहीं न कहीं दोनों पार्टियां चाहती हैं कि राज्य में शिवसेना की सरकार हो, लेकिन अब तक शिवसेना के समर्थन के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों के उच्च नेतृत्व ने खुलकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री होगा तो शिवसेना का ही होगा। साथ ही उनका कहना है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आमने सामने आने पर दोनों दलों के बीच बात और बिगड़ गई थी। शिवसेना प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी पर दोटोक कहते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमारा ही होगा, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ आए या ना आए, अगर साथ आती है तो भी ठीक है, अन्यथा उनके बिना भी हमारे लिए सरकार बनाना संभव होगा। उनका कहना है कि उसके लिए मुख्यमंत्री एवं भाजपा की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ संकेत दिया है कि सरकार गठन के लिए शिवसेना अन्य विकल्पों को लेकर
गंभीर है। आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि गोवा और मणिपुर में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन उसने सरकार का गठन किया। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि यह सब राज्यपाल के सक्रिय होने से हुआ है। सामना में लिखा गया है कि लेकिन महाराष्ट्र में सबसे अधिक सीटें पाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नहीं कर रही है। सामना में पार्टी से एक बार फिर जल्द से जल्द सरकार बनाने की बात दोहराई गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल बीते दिनों 9 नवंबर को खत्म हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ सामना में भाजपा के शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने के दावों की आलोचना भी की गई है। शिवसेना का कहना है कि उस वादे का क्या जो गठबंधन बनाते समय सत्ता के बंटवारे को लेकर किया गया था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कह रही है कि सत्ता साझेदारी की कोई हमारे साथ बातचीत नहीं हुई थी, ना तो पार्टी की तरफ से इस पर कोई आश्वासन दिया गया था। इसी वादे पूरा न करने को लेकर भी शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा गया है कि शिवसेना के बगैर राज्य में सरकार का गठन नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने को तैयार नहीं है। शिवसेना का कहना है कि यह कैसी राजनीति है, हम ऐसी गंदी राजनीति में शामिल नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक किसी भी दल के या गठबंधन के महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करने के कारण राज्य में संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने 9 तारीख को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधायकों के खरीद फरोख्त की आशंका से कांग्रेस सावधान हो गई है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को राजस्थान की राजधानी जयपुर में रखी है, जहां पर आज कुछ देर बाद ही इन सभी विधायकों की बैठक होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता चुना जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक जयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर होनी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को जयपुर के एक होटल में रखा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बैठक के बाद इन विधायकों को अजमेर और पुष्कर घुमाने के लिए ले जाया जा सकता है। इन सभी विधायकों के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी मल्लिका अर्जुन खड़गे भी शामिल हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि भारत के इतिहास में कल का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका कहना है कि हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि 24 नवंबर को अयोध्या जाएंगे। उद्धव ठाकरे का यह भी कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उन्हें इस बात की शुभकामनाएं देंगे। साथ ही उद्धव ठाकरे ने ऐलान करते हुए कहा है कि इस दिन के लिए वह रथ यात्रा निकाली थी, मैं उससे जरूर मिलूंगा और उसका आशीर्वाद लूंगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 13वीं विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो गया है। हालांकि अब तक राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। ऐसे में बिहार राष्ट्रपति शासन के आसार बनने लगे हैं। गौरतलब है कि जब किसी राज्य में कोई भी सियासी दल अपना बहुमत नहीं साबित कर पाता है तो राज्यपाल वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को इस्तीफा दिया था, हालांकि वो अभी भी राज्य के कार्यवाहक सीएम बने हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर पेच सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। शिवसेना ने एक बार फिर शनिवार को अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी से पूछा है कि वह सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नहीं कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा दोनों फार्मूले आजमा चुकी है। वर्ष 2014 में शिवसेना से अलग होकर लड़ चुकी है और सरकार बना चुकी है। 2019 में साथ लड़कर उलझ चुकी है। पिछले कई वर्षों में शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से रिश्ते रहे हैं उससे अब साफ हो गया है कि इन दोस्ती में विश्वसनीयता और सम्मान जीरो है। ऐसे में महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम भी दोनों दल दिल से एक हो पाएंगे इसकी संभावना बहुत कम है। आपको बता दें कि लंबे अरसे तक शिवसेना महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में रही है, जिसे 2014 और फिर 2019 में भाजपा ने ध्वस्त कर छोटे भाई की भूमिका में ला दिया। अब एक बार फिर 2019 में शिवसेना मुख्यमंत्री पद हासिल कर बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे सीधे तौर पर नकार दिया है, लेकिन शिवसेना का साफ साफ यह कहना है कि महाराष्ट्र में सीएम शिवसेना का ही होगा। अगर देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी साथ आती है तो ठीक है, वरना हमारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे पास और भी विकल्प है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस महाराष्ट्र के सभी विधायकों को राजस्थान के जयपुर के एक होटल में शिफ्ट कर चुकी है। तो वहीं शिवसेना भी विधायकों के खरीद फरोख्त की आशंका को देखते हुए अपने सभी विधायकों को होटल में ठहराया है। जहां पे कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं वहां से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा है कि चुनाव के बाद किसी भी राज्य में अगर 2 दिन सरकार नहीं बनती है तो
भाजपा बड़े बड़े व्यंग कसती है। उनका कहना है कि अब महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के 2 हफ्ते बाद भी वहाँ पे सरकार नहीं बन पाई है। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद भी ये दोनों पार्टियां प्रदेश में सरकार नहीं बना पा रही है। सचिन पायलट का कहना है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में फूट पड़ी है। साथ ही उनका कहना है कि इसके लिए ना तो कांग्रेस जिम्मेदार है और ना ही एनसीपी जिम्मेदार है। सचिन पायलट का कहना है कि दोनों पार्टियों के बीच पड़े फूट के जिम्मेदार बल्कि वह खुद है और उनकी नीति है। उनका कहना है कि उनकी सोच और उनकी राजनीति ही इस फूट के लिए बड़ा जिम्मेदार है। आपको बता दें 12 नवंबर को आखिरी दिन है महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर। अगर 12 नवंबर को सरकार का गठन नहीं हो पाता है तो सूबे के राज्यपाल महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र से अपील कर सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सहित एनसीपी कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने सरकार बनाने का प्रस्ताव नहीं दिया है। लेकिन माना जा रहा है कल 12 बजे रात से पहले सरकार गठन को लेकर राज्यपाल के पास प्रस्ताव जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनता है या भारतीय जनता पार्टी का, यह देखना काफी दिलचस्प होगा।